की आग में जलता एक मासूम बेटा और जानवरों पर इंसानी कहर। जंगल में काला चीता अपने सिपाहियों को लेकर क्यों तबाही मचा रहा है? क्यों उसकी सेना जानवरों को ये बेरहमी से मार रही है? आखिर कौन है ये काला चीता और क्या इसका राज? आइए जानते हैं। जंगल का राजा शेर बड़ा ही जालिम और निर्दयी था। वो अपनी ताकत के घमंड में अंधा होकर जानवरों पर जुल्म करने लगा। उन्हें अपना गुलाम बनाकर उनसे काम करवाता। अगर कोई जानवर उसकी बात न माने तो वो उसके पूरे परिवार को बड़ी ही बेरहमी से मार डालता। शेर के राज्य में सारे जानवर बड़े ही डरे और सहमे थे। शेर का ये बर्ताव शेर की पत्नी शेरनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कई बार इस बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा होता। शेरनी नहीं चाहती थी कि उसका बेटा सिम्बा शेर के जैसे बने। एक दिन शेरनी शेर से कहती है, देखिए आपकी इन हरकतों की वजह से सिम्बा पर बहुत गहरा असर हो रहा है। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारते हुए कहता है, सिम्बा मेरा बेटा है, इस जंगल का होने वाला राजा। मैं उसे एक निडर शेर बनाऊंगा, ना कि तुम जैसा कमजोर, समझे? ये कहकर शेर वहां से चला जाता है। उसी जंगल में एक मादा काला चीता अपने बेटे बगीरा के साथ रहती थी। शेरनी और काला चीता दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थी। एक दिन शेरनी और काला चीता जंगल में घूम रहे थे कि तभी एक गर्भवती हिरन मदद के लिए चिल्लाते हुए भाग रही थी। उसके पीछे शेर पड़ा था। ये देख शेरनी हिरन को रोक लेती है। शेरनी मेरी मदद करो, मैं गर्भवती हूँ, महाराज मेरा शिकार करने पर तुले हैं, कृपा करके मेरी मदद करो। यूं हिरन बोल ही रही थी कि वहाँ शेर आता है। महाराज रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हो? हिरन गर्भवती है और एक राजा होने के नाते एक गर्भवती का शिकार करना आपको शोभा नहीं देता। अच्छा, तो तुम अब बताओगी कि मुझे क्या शोभा देता है और क्या नहीं। चलो हटो मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। चाहे आप मेरी जान ही क्यों ना ले ले, पर मैं आपको इस हिरन का शिकार करने नहीं दूंगी। हिरन वहां से भाग जाती है। हाथ आया शिकार छूट जाने की वजह से शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारते हुए शेरनी पर हमला करने ही वाला था कि काला चीता शेर को धकेल देती है और खुद शेर के हमले का शिकार हो जाती है। शेर नफरत की आग में अंधा हो गया था। वो चीते पर हमला कर उसे मार डालता है। शेरनी शेर को रोकने की काफ़ी कोशिश करती है पर वो नाकामयाब हो जाती है। वो अपनी दोस्त की मौत को देख उदास हो जाती है और सहमी सी हो जाती है। शेर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसका यही अंजाम होगा। यूं वो हंसते हुए वहां से चला जाता है कि ये सब वही कुछ दूर खड़ा बगीरा देख लेता है और उस नन्हे मासूम के मन में शेरनी के प्रति गलतफहमी हो जाती है और वो अपने आप से कहता है, शेरनी तुम्हारे पति ने मेरी माँ को मार डाला और तुम बस देखती रही। तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा और अपनी माँ की मौत का बदला लूंगा। ये कहकर बगीरा जंगल छोड़कर चला जाता है। इधर शेरनी अपनी सहेली की मौत को भूल नहीं पा रही थी और ना ही जानवरों पर हो रहे जुल्म को देख पा रही थी। तब वो मन ही मन ठान लेती है, पति हो या बाप, जानवरों पर जुल्म करने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, उसे उसके पापों की सजा दिला कर रहूंगी। यूं शेरनी शेर के भोजन में जहर मिला देती है जिसे खाकर शेर की मौत हो जाती है। शेर की मौत को देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं। शेरनी जंगल की भाग दौड़ संभालने लगती है। शेरनी के राज्य में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। शेरनी अपने सिपाहियों को बगीरा को ढूंढने में लगा देती है। यूं ही दिन बीत गए। सिम्बा अब एक ताकतवर शेर बन चुका था। वो अपनी माँ के कदम से कदम मिलाकर जानवरों का ख्याल रखने लगा।
एक दिन शेरनी हाथी से कहती है, पता नहीं बगीरा कहाँ होगा, कैसा होगा। मैंने उसे ढूंढने में अपनी जी जान लगा दी, पर कुछ पता नहीं चला। यूं शेरनी बोल ही रही थी कि दूसरी ओर जंगल में हाहाकार मच जाता है। बगीरा अपने सिपाहियों को लेकर जंगल में तूफानी कहर मचा रहा था। इस जंगल ने मुझे अनाथ कर दिया, मेरी माँ को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब बर्बाद कर दूंगा। सिपाहियों, जाओ जाकर सारे जंगल को बर्बाद कर दो। बगीरा के सिपाही जंगल में तबाही मचाने लगे। जब ये बात सिम्बा को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। शेरनी सिम्बा को रोकने की कोशिश करती है, पर सिम्बा शेरनी की एक नहीं सुनता है और वो बगीरा को ढूंढते हुए निकल जाता है। जब बगीरा के सारे सिपाहियों को मार डालता है तो वहीं दूसरी ओर बगीरा शेरनी को ढूंढते हुए उसके पास आता है। शेरनी बगीरा को देखकर खुश हो जाती है। बेटा बगीरा, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम इन मासूम जानवरों को क्यों मार रहे हो बेटा? बंद कर अपनी बकवास। जब तेरा पति मेरी माँ को मार रहा था तो कहाँ गई तेरी ये रहमदिली? तूने और तेरे पति ने मिलकर मुझे अनाथ कर दिया, मुझे दर बदर ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब मैं तेरे पूरे परिवार को ही बर्बाद कर दूंगा। बेटा मेरी बात तो सुनो, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। पर बगीरा बदले की आग में जल रहा था, वो शेरनी पर हमला करता है। शेरनी घायल हो जाती है और एकदम से नीचे गिर जाती है। बगीरा फिर से उस पर हमला करने ही वाला था कि सिम्बा वहाँ आता है। रुक जा, तेरी ये मजाल कि तूने मेरी माँ पर हमला किया, तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ। मेरी माँ पर हमला करके तूने अच्छा नहीं किया, मुझे तेरी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले इसे खत्म करूंगा और फिर इससे जुड़े हर उस जानवर को भी खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है, वो जोर से दहाड़ मारते हुए बगीरा पर हमला करता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई हो रही थी कि तभी शेरनी जोर से दहाड़ मारती है और उन दोनों को रोक लेती है। बगीरा रुक जाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता, पहले मेरी बात तो सुनो, फिर तुम जो भी फैसला करोगे वो मुझे मंजूर है। तब शेरनी बगीरा को सारी बात बताती है। हाँ बगीरा, शेरनी सही कह रही है, महाराज के मरने के बाद हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर बगीरा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो शेरनी से माफी मांगता है। बगीरा की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। सिम्बा और बगीरा अब अच्छे दोस्त बनकर खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं। ऑनेस्ट बुल एंड एनिमल रेस। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे, उन्हीं में से गौरी नाम की एक भैंस थी। गौरी बहुत ही ईमानदार और मेहनती थी, सारे जानवर गौरी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन गौरी अपने खेत में काम कर रही थी कि वहाँ हाथी और हिरन आते हैं। अरे गौरी बहन, जब देखो तब काम काम काम, कुछ आराम भी किया करो। ऐसी बात नहीं है हाथी बहन, वो बारिश का मौसम आने वाला है, किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी। अगर अभी से मैं खेत जोत कर बीज बो दूंगी तो आसानी हो जाएगी। अरे गौरी बहन, तुम और तुम्हारी दूर की सोच, तुम्हारी जितनी मेहनत मेरे बस की बात ही नहीं है। हाँ सही कहा हिरन। अच्छा गौरी, तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। यूँ हाथी और हिरन वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जो गौरी से बहुत जलती थी। लोमड़ी का खेत भी गौरी के खेत के पास में ही था। लोमड़ी नहीं चाहती थी कि गौरी की अच्छी फसल हो। दिन यूँ ही बीत रहे थे, बारिश का मौसम आता है पर बारिश नहीं हो रही थी, गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ रही थी। ये देख लोमड़ी उसके खेत से गौरी के खेत में गुजर रहे पानी को रोक देती है। ये देख गौरी, अरे लोमड़ी, ये तुमने पानी क्यों रोक दिया? अगर पानी नहीं मिला तो मेरा खेत सूख जाएगा।
देख गौरी, गर्मियाँ बहुत हो गई है, बारिश भी नहीं हो रही। ये तालाब ही एकमात्र जरिया है हमारे खेतों के लिए। अगर मैंने पानी तुम्हारे खेत के लिए भी छोड़ दिया तो आगे जाकर मुझे मुश्किल हो जाएगी। अरे कैसी मुश्किल, तालाब का पानी कितनी भी गर्मी क्यों ना हो वो कभी नहीं सूखता। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती लोमड़ी। यूं वो दोनों लड़ने लगते हैं। दो तीन दिन बीत जाते हैं। पानी ना होने के कारण गौरी का खेत धीरे धीरे सूख रहा था। वही दूसरी ओर लोमड़ी गौरी के खिलाफ जंगल के राजा बाघ के कान भरती है। महाराज, गर्मियाँ बढ़ गई है, अभी तक बारिश भी नहीं हुई। हमारे जंगल में सिर्फ एकमात्र तालाब है जिसका पानी गौरी अपने खेत के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो आगे जाकर हम सब के लिए परेशानी हो सकती है। हाँ, सही कहा तुमने, मैं गौरी से बात करूँगा। यूं बाघ और लोमड़ी गौरी के पास आते हैं। गौरी खेत में काम कर रही थी। देख गौरी, तू इस तालाब का पानी अपने खेत में इस्तेमाल नहीं कर सकती। यही एकमात्र तालाब है हम सब के लिए। अगर तू अपने खेत के लिए इसका पानी इस्तेमाल करेगी तो आगे जाकर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। महाराज, ये तो अन्याय है ना, इस तालाब का पानी कभी नहीं सूखता। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते महाराज। देख, राजा होने के नाते मुझे तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। मैं तेरे बारे में सोचूंगा तो बाकी जानवरों का क्या होगा। ये सुन पास में खड़ी लोमड़ी मन ही मन खुश हो रही थी। महाराज, अगर गौरी के खेत में पानी नहीं मिला तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हाँ महाराज, अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो हम और हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे गौरी एक ही नहीं है जंगल में जो फसल उगाती है, बाकी के जानवर भी फसल उगाते हैं। हम में से किसी को भी खाने की कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, बाकी के जानवर भी फसल उगाते हैं, पर जितनी मेहनत गौरी करती है उतनी कोई नहीं करता। यूं जानवरों में बहस शुरू हो जाती है। ये देख बाघ जोर से दहाड़ मारता है और कहता है, बंद करो तुम अपनी यह बहस। देखो लोमड़ी और गौरी, मैं तुम दोनों के बीच एक रेस की प्रतियोगिता रखता हूँ। जो कोई भी उस प्रतियोगिता में जीतेगा उसके खेत को तालाब से पानी मिलेगा। ये सुनकर लोमड़ी खुश हो जाती है। पर महाराज, गौरी कैसे ये रेस जीतेगी? मुझे ये प्रतियोगिता मंजूर है। ये सुनकर लोमड़ी हंसते हुए कहती है, अरे गौरी, तुझे हारने का बड़ा शौक है। देख, इतनी भी खुश मत हो, क्या पता कल कौन हारेगा और कौन रोएगा। ठीक है, कल सुबह तालाब के पास प्रतियोगिता शुरू होगी। ये सुनकर सारे वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सारे जानवर तालाब के पास इकट्ठा होते हैं। गौरी और लोमड़ी भी वहां थे। देखो, तुम दोनों को जंगल के बाहर जो अमरूद का पेड़ है वहां से अमरूद लाना होगा। जो कोई भी पहले अमरूद लाएगा वो ये प्रतियोगिता जीतेगा। महाराज, मैं यूं गई और यूं आई। प्रतियोगिता शुरू होती है। सारे जानवर गौरी को प्रोत्साहित कर रहे थे। लोमड़ी और गौरी रेस शुरू करते हैं। लोमड़ी तेजी से भाग रही थी। लोमड़ी प्रतियोगिता जीतने के चक्कर में कच्चे रास्ते का इस्तेमाल करती है, जिसके चलते वो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाती है। दूसरी ओर गौरी मेहनत और ईमानदारी से सीधे रास्ते पर जाकर प्रतियोगिता जीत जाती है। काफ़ी देर होने पर भी लोमड़ी के न आने पर जानवर लोमड़ी को ढूंढते हुए जाते हैं। लोमड़ी को गड्ढे में गिरा देखकर सारे जानवर उस पर हंसने लगते हैं। देखा लोमड़ी, मेहनत करने वालों का फल मीठा ही होता है। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो गौरी से माफ़ी मांगती है और गौरी तालाब से पानी लेकर अच्छी फसल उगाती है। विशाल जायंट शेर और तीन रंगीन बाघ। एक बार की बात है, जंगल का राजा एक विशाल शेर था जिसके पास एक जादुई मणि थी जिसका किसी को भी आभास नहीं था।
शेर को देखकर आसपास के जंगल के जानवर भी उससे पंगा लेने या फिर उसके जंगल की ओर आंख उठाकर देखने को भी हिम्मत नहीं करते थे। शेर को अपने जानवरों से बहुत लगाव था। वो हमेशा उनके भले के बारे में सोचता रहता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। वहीं दूसरी ओर पास के जंगल में रघु, वीरू और मोंटी नाम के तीन रंगीन बाघ रहते थे, जो बहुत ही जालिम और निर्दयी थे। उन्होंने अपने ही जंगल में दहशत मचा के रखी थी। वो जब चाहे तब जानवरों का शिकार करते और उन्हें खा जाते थे। यूँ देखते ही देखते उनका जंगल वीरान बन गया। अब उनके शिकार के लिए जंगल में एक भी जानवर बचा नहीं था। एक दिन रघु वीरू से कहता है, अरे यार वीरू, सुबह से जंगल में घूम घूम कर थक गए हैं। लगता है शिकार के लिए एक भी जानवर नहीं बचा। हमने जंगल के सारे जानवरों का शिकार जो कर लिया है, अब हमें कहीं और अपना ठिकाना बनाना पड़ेगा। दूसरी जगह जाने से पहले हम हमारे गुरु बगीरा बाबा से मिलते हैं, ताकि वो हमें अपने शैतानी शक्तियों से कोई रास्ता बता सके। अरे हाँ वीरू, सही कहा तूने, चलो चलते हैं। यूँ वो तीनों बगीरा के पास निकलते हैं। बगीरा एक काला चीता था जो शैतान की पूजा करता था। उसके पास कई सारी शैतानी शक्तियाँ थी। बगीरा उन तीनों को देख कर कहता है, तुम तीनों यहाँ? सब ठीक तो है, कैसे आना हुआ? बाबा प्रणाम, हम तीनों को आपकी मदद की जरूरत है। हमें इतना ताकतवर बनाइए कि हमारे आगे कोई भी प्राणी टिक ना पाए। मैं तुम तीनों की इच्छा अवश्य पूरी करूँगा, पर इससे पहले तुम तीनों को मेरा एक काम करना होगा। कहिए बाबा, हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाँ बाबा, हम आपके लिए हमारे प्राण भी दे सकते हैं। देखो, जंगल की उत्तरी दिशा में तुम्हें एक तालाब दिखाई देगा। तालाब के उस ओर एक जंगल है। उस जंगल में एक जादुई मणि है जो तुम्हें मुझे लाकर देनी होगी। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम तीनों को विश्व में सबसे ताकतवर प्राणी बना दूंगा। ये सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे बस इतना छोटा काम, हम यूँ गए और यूँ आए। ये कहकर वो तीनों रंगीन बाघ वहाँ से चले जाते हैं। तब बगीरा अपने मन में सोचता है, इन तीनों बेवकूफों को ये भी पता नहीं है कि उस मणि की रखवाली एक विशाल शेर कर रहा है, जिसे हराना इस पूरे विश्व में किसी के बस की बात नहीं है। मैं भी उस मणि को पाने के लिए कई सालों से बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। काश इस बार वो मणि मेरे हाथ लग जाए तो मैं विश्व में ही सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। यूँ बगीरा सोच रहा था कि इधर तीनों रंगीन बाघ बगीरा के बताए हुए रास्ते से होकर विशाल शेर के जंगल में आते हैं, और आते ही वो तीनों जंगल के जानवरों पर टूट पड़ते हैं और उनका बड़ी ही बेरहमी से शिकार करने लगते हैं। अचानक हुए हमले से जंगल में खलबली मच गई। सारे जानवर अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। यूँ भागते भागते हिरन गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। वो उठकर भाग भी नहीं पा रही थी। तीनों बाघ उसके करीब थे। वो जैसे तैसे उठकर भागने की कोशिश करती है, पर बाघ उसे पकड़ लेता है। देखो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। हम तुम्हें छोड़ देंगे, पर इसके लिए तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कहो मुझे क्या करना होगा? हम तीनों जादुई मणि के लिए यहाँ आए। हमें पता है कि वो जादुई मणि इसी जंगल में है। तुम हमें उसका पता बता दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। हमारे जंगल में कोई जादुई मणि नहीं है। तुम लोग बेकार में हमें परेशान कर रहे हो। अगर हमारे महाराज को ये बात पता चल गई तो वो तुम तीनों को छोड़ेंगे नहीं। अरे ओ हिरन, ज्यादा बकबक करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना कहा उतना कर, और रही तेरे महाराज की बात, हम तीनों के सामने वो एक चूजा है। चूजा, तेरे पास अब सिर्फ 24 घंटे का समय है।
अगर इस बीच तू मनी को लेकर नहीं आई तो तेरी खैर नहीं। अब चल जा यहाँ से, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है। हिरन लंगड़ाते हुए शेर के पास जाती है। हिरन को देख शेर कहता है, अरे हिरन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे पैर को क्या हुआ। हिरन शेर को सारी बात बताती है। हिरन के मुंह से मनी की बात सुनकर शेर चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है, अच्छा दुश्मन मनी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया है, इसका मतलब मुझे और भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, इससे पहले कि वो तीनों बाघ मेरे जानवरों को और नुकसान पहुंचाए, मुझे इन सब को किसी सुरक्षित जगह पर भेजना होगा। यूँ सोच कर शेर हिरन से कहता है, हिरन तुम एक काम करो, तुम सारे जानवरों को लेकर काली पहाड़ी पर चले जाओ, जैसे ही ये सारा मामला निपट जाएगा मैं तुम सबको वापस बुला लूंगा। हिरन शेर की बात सुनकर सारे जानवरों को लेकर काली पहाड़ी की ओर निकलती है। जैसे ही सारे जानवर काली पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं, वो तीनों रंगीन बाघ जानवरों को घेर लेते हैं। क्यों रे हिरन, तेरी यह मजाल कि तू हमारी ही बात को अनसुनी कर इन सारे जानवरों को लेकर यहाँ से भाग रही है, लगता है तुझे अपनी और अपने जानवरों की परवाह नहीं है। वही दूसरी ओर शेर जादुई मनी के पास जाता है। शेर जादुई मनी को प्रणाम करता है और कहता है, हे जादुई मनी, तुम्हें ढूंढते हुए दुश्मन यहाँ तक पहुँच गए हैं, मुझे शक्ति दो ताकि मैं उन्हें मार कर इस जंगल की और यहाँ के जानवरों की रक्षा कर सकूं। शेर के ये कहते ही जादुई मनी से एक रोशनी आती है और शेर पर पड़ती है, जिससे शेर और भी ताकतवर बन जाता है। तीनों रंगीन बाघ जानवरों पर हमला करने ही वाले थे कि शेर वहाँ प्रत्यक्ष होता है। विशाल शेर को देखकर तीनों बाघ घबरा जाते हैं। शेर और बाघों के बीच लड़ाई होती है। शेर अपनी जादुई शक्तियों से उन तीनों रंगीन बाघों को मार डालता है। देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं। शेर उस मनी को और भी कड़ी सुरक्षा में रखता है और जंगल में फिर से खुशियाँ छा जाती है। विशाल सुनहरा शेर और जंगल के जानवर। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। जंगल का राजा शेर अपने बेटे सिम्बा और पत्नी के साथ रहता था। सिम्बा एक अनोखा और सुनहरा शेर था। शेर और शेरनी को सिम्बा की बहुत चिंता रहती थी। वैसे तो सिम्बा एक अनोखा शेर था, पर वो एक बहुत ही डरपोक और कमज़ोर शेर था। इसका फ़ायदा शेर का मंत्री बाघ उठाता था। बाघ शेर और शेरनी के सामने सिम्बा के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था, पर उनके पीछे सिम्बा को एक गुलाम की तरह देखता था। एक दिन बाघ शेर और शेरनी को सिम्बा के पास न पाकर वो सिम्बा से कहता है, अरे ओ सिम्बा, जा जाकर मेरे लिए शिकार ढूंढ कर ला, मुझे बहुत भूख लग रही है, देख अगर देरी हुई तो तेरी खैर नहीं। बाघ जी, माँ शिकार पर गई है, जैसे ही वो शिकार लाएगी मैं आपके लिए ले आऊंगा, वैसे मुझे शिकार करने से बहुत डर लगता है। शेर होकर ये कैसी बातें कर रहा है, वैसे भी तेरा यूं बुजदिल होना मेरे लिए ही अच्छा है, मौका देखकर मैं तेरे माँ और बापू को मार डालूंगा और इस जंगल पर राज करूंगा राज। ये सुनकर सिम्बा डर जाता है और रोते हुए कहता है, बाघ जी ऐसा मत कीजिए, मेरे माँ और पिताजी को कुछ मत कीजिए, आप जो कहोगे वो मैं करूँगा। यूँ सिम्बा रो रहा था कि तभी वहाँ शेरनी आती है। शेरनी को देख बाघ एकदम से डर जाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, वो मैं सिम्बा को समझा रहा था कि उसे शिकार करना सीखना चाहिए, महाराज के बाद इसे ही तो जंगल की बागडोर संभालनी है, मुझसे अब और महाराज का दुख देखा नहीं जाता। ये कहकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। ये देख शेरनी कहती है, बाघ तुम जैसे वफादार मंत्री का मिलना हमारे परिवार की खुशकिस्मती है, तुम हमारे परिवार का कितना ख्याल रखते हो। शेरनी ये तो मेरा कर्तव्य है, अच्छा अब मैं चलता हूँ। बाघ के जाने के बाद शेरनी भी सिम्बा को देख उदास होती है और वहाँ से चली जाती है। तब सिम्बा अपने मन में सोचता है,
माँ, ये बाग अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा है, ये आपको और पिताजी को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है। मैं आपको ये बात कैसे बताऊँ? अगर मैंने ये बात आपको बता दी तो ये राक्षस हम तीनों को मार देगा। जो सिम्बा अपने आप में परेशान हो रहा था, दिन बीतते गए। एक दिन शेर बाघ और बाकी जानवरों की सभा बुला कर कहता है, देखो मैं अपने बेटे सिम्बा को इस जंगल का राजा बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर शेरनी बाघ और वहाँ खड़े सारे जानवर चौंक जाते हैं। पर महाराज, सिम्बा तो अभी ना समझ है, उसे आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे सकते हो? देखो शेरनी, अगर एक बार उस पर जिम्मेदारी आ गई तो वो खुद ब खुद इस काबिल बन जाएगा कि वो हर मुश्किल का सामना कर सकेगा। मैं अपने जीते जी उसे काबिल हुआ देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है, और मैं आशा करता हूँ कि तुम सब मेरे इस फैसले से सहमत होंगे। ये सुनकर शेरनी और बाकी जानवर खुश हो जाते हैं। पर बाघ मन ही मन गुस्से की आग में जल रहा था। बाघ और बाकी जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। तब बाघ अपनी गुफा में सोचता है, अरे इस शेर ने तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। इसने उस पागल सिम्बा को जंगल का राजा बनाने की घोषणा कर दी है। मुझे कुछ भी करके उस सिम्बा को रास्ते से हटाना होगा। यूं सोच कर वो अगले दिन सिम्बा के पास जाता है और कहता है, अरे ओ सिम्बा, अगर तू राजा बन गया तो मैं इस जंगल को शमशान बना दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं राजा नहीं बनूंगा। मैं अभी पिताजी से जाकर कहूंगा कि मुझे राजा नहीं बनना है। अरे तू क्या समझता है कि तू कहेगा और वो मान जाएगा? नहीं नहीं, वो तेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा। तो फिर मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। तुम ये जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, फिर कभी वापस लौट कर मत आना। अगर वापस आए तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, पर आप माँ और बाबूजी को कुछ मत कीजिए। ये कहकर सिम्बा बिना किसी को कुछ बताए जंगल छोड़कर चला जाता है। जब ये बात शेर और शेरनी को पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। शेर सारा जंगल छान मारता है। शेरनी का तो रो रो के बुरा हाल हो चुका था। दो दिन बीत जाते हैं पर सिम्बा का कुछ पता नहीं चलता। इधर शेरनी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। शेरनी आसपास के जंगल में भी सिम्बा को ढूंढने अपनी सेना भेज दी थी। एक तो बेटे को खोकर शेर परेशान था, ऊपर से शेरनी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। शेर टूट सा गया था। दूसरी ओर बाघ जंगल में खुले आम जानवरों पर जुल्म करने लगा। जानवर भी अपने राजा की हालत को देखकर मजबूर थे। वो चाहकर भी बाघ की शिकायत शेर से नहीं कर रहे थे। हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। शेर भी बाघ की हरकतों को देख रहा था पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। एक दिन शेर बाघ से कहता है, बाघ देखो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं तो अपने बेटे को लेकर परेशान हूँ, बस एक बार मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाए तो मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि तुम कभी नहीं सोच सकते। अरे शेर, पहले तू अपने पैरों पर ठीक से खड़ा होकर तो दिखा, बड़ा आया मुझे मारने वाला। वैसे तुझे एक बात बता दूँ, तूने क्या सोचा कि तू अपने पागल बेटे को राजा बनाएगा और मैं यूं ही देखता रहूँगा? नहीं, उसे जंगल छोड़कर जाने के लिए मैंने ही मजबूर किया था, अब वो वापस कभी नहीं आएगा। आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ और तुम सब मेरे गुलाम, तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर शेर और शेरनी चौंक जाते हैं। शेर जोर से दहाड़ मारते हुए बाघ पर हमला करने की कोशिश करता है, पर कमजोरी की वजह से वो नीचे गिर जाता है। ये देख बाघ उस पर हंसने लगता है। वो शेर और शेरनी को कैद कर लेता है। वहीं दूसरी ओर सिम्बा जंगल दर जंगल भटक रहा था। उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही रहने के लिए ठिकाना। वो बहुत कमज़ोर हो गया था कि तभी उसकी नज़र रास्ते में जाल में फंसी एक गाय पर पड़ती है जो मदद के लिए चिल्ला रही थी।
ये देख सिम्बा गाय के पास जाता है और उसे जाल से छुड़ाता है। जैसे ही गाय जाल से छुट जाती है, वो एक सुनहरी गाय में बदल जाती है। ये देख सिम्बा चौंक जाता है। सिम्बा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। तुम एक अच्छे और नेक शेर हो। मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हें एक विशाल शेर में बदल दूंगी, जिससे तुम अपने दुश्मन को आराम से मार सकते हो। ये कहकर सुनहरी गाय सिम्बा को अपनी जादुई शक्तियों से एक विशाल और ताकतवर शेर में बदल देती है। सिम्बा अपना विशाल शरीर देखकर खुश हो जाता है। वो गाय का धन्यवाद करता है और वापस जंगल जाता है। सिम्बा अपने माँ बाप को पिंजरे में कैद देख उदास होकर वो जोर से दहाड़ मारता है। सिम्बा की दहाड़ सुन बाघ एकदम से चौंक जाता है और साथ ही साथ सिम्बा का विशाल रूप देखकर डर जाता है। माँ, पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ इस दुष्ट बाघ का अंत करने। ये सुनकर बाघ डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, पर विशाल शेर बाघ को रोक लेता है और उसे एक ही बार में जान से मार देता है और अपने माँ बाप को पिंजरे से आज़ाद करता है। सिम्बा अपने माँ और पिताजी से मिलकर बहुत खुश होता है। सिम्बा शेर और शेरनी को सारी बात बताता है। यूँ एक विशाल सुनहरा शेर जंगल का राजा बनकर जंगल पर राज करता है।